हाय, आज मैं आप लोगों के साथ एक रेसिपी लेकर आई हूँ। दैट इज़ द कीमा स्पैगेटी एंड इट्स सो यमी गाइस। आई विल हाईली रिकमेंड यू टू ट्राई इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड मेकिंग इट। सबसे पहले हम लोगों ने पैन के अंदर ले लिया 1 to 2 टेबलस्पून ऑयल और 3 टेबलस्पून एज आई मेंशन्ड। उसके बाद हम लोग इसके अंदर डाल रहे हैं गार्लिक पाउडर। मर्जी आप लोगों की, जितना डालना डालो, और गार्लिक पाउडर ना हो तो आप लोग पेस्ट भी डाल सकते हो। फिर हम लोगों ने डाला है इसके अंदर 150 ग्राम ऑफ मिंस। मैंने यहाँ पर बीफ मिंस यूज़ किया है, और साथ में हम लोगों ने पास्ता बॉयल जो किया था, स्पेगेटी बॉयल की थी, उसका हम लोगों ने पानी बचा के रखा है। और जहाँ जहाँ पर हम लोगों को ज़रूरत होगा हम वही वाला पास्ता वाटर यूज़ करेंगे। तो हम लोगों ने ये मिंस डालने के बाद थोड़ा सा जो नीचे चिपक रहा था तो हम लोगों ने डाल दिया पानी। उसके बाद हमने डाला सॉल्ट, ब्लैक पेपर, और इसको हम लोगों ने पकने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद हम लोगों ने इसको ढक कर रखना है एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स टू कुक। अब यहाँ पर ये हम लोगों ने 10 मिनट्स बाद कवर हटाया है, तो ये थोड़ा सा पानी खुश्क हो गया। अब यहाँ पर हम लोग डाल रहे हैं सोया सॉस एंड देन गार्लिक जिंजर पाउडर। उसके बाद हम लोगों ने एक टोमेटो की प्यूरी बना ली थी अपने ब्लेंडर में, और उसको हम लोगों ने अच्छे से डाल दिया। उसके बाद हमने चॉप अनियन डाला है, और इसको हम लोग हाई फ्लेम के ऊपर कुक करते रहेंगे अनटिल के ये पानी इसका सूख जाए। उसके बाद हम लोगों ने डाला है चिली गार्लिक सॉस, एंड हम इसको इसी तरह मीडियम फ्लेम के ऊपर अब कुक करते रहेंगे कि इसका अच्छा सा सॉस बन जाए। और फिर हम लोगों ने बिल्कुल एंड पे डालनी है कैप्सिकम, और अगर आपको नहीं पसंद तो स्किप कर दो, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, सो आई विल रिकमेंड के डालो। और बिल्कुल एंड पे डालनी है कि वो कच्ची कच्ची रहें, बिल्कुल आपको बुरी नहीं लगेंगी। अलबत्ता बिल्कुल इनको पकाना नहीं है। फिर उसके बाद आपने ये डाल दिया स्पेगेटी, और एक साथ सारी ना डालें, मिक्स करना मुश्किल हो जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा डाल के करेंगे। एंड हमारी स्पेगेटी रेडी हो गई है। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।